करते हैं, एक शाहबाद से साहा होते हुए आप डायरेक्ट पंचकुला निकल सकते हो, और एक दूसरा रॉन्ग साइड आके हमें ही डिपर मार रहा है। और कलयुग इसकी मौसम है भाई पहाड़ों पे जाने का, बट देखते हैं भोलेनाथ सबके साथ। ये पूरी क्लैडिंग बाहर निकल गई थी इतनी देर के अंदर, एक बारी पानी में गई थी। क्लाउड्स का नजारा भाई साहब, बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर से निकल रहे हैं, देख लो क्या तगड़ा ही। हर हर महादेव, शिव शंभू। 4:14 AM। Hey, good morning guys, welcome back to another video. टाइम सुबह के 4:15, और अरे बस गूगल आंटी। और भाई निकल रहे हैं अपनी ट्रिप पे हिमाचल प्रदेश, और इस बार मैंने प्लान किया था सोलो ट्रिप पे जाने का 3 दिन की माउंटेन्स की तरफ, बट ये भाई साहब फिर चिपक गए हैं मेरे साथ। सुबह सुबह 4 बजे सोलो ट्रिप होने वाली थी वरना अपनी। बाकी भाई आज है डेट 15 अगस्त, अपना इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी फिलहाल डीजल डलवाते हैं और फिर बताते हैं आपको कहाँ निकल रहे हैं। भाई 202 किलोमीटर ये प्योर दिल्ली में चली है प्योर, और 31 लीटर तेल आ गया, समझ रहे हो, 6.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है ये गाड़ी 4x4 डीजल ऑटोमेटिक दिल्ली में। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो तो ये खून पे चलती है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और एक ऐसी जगह ढूंढी है ना, बहुत ही ऑफ बीट है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा चांशल पास के बारे में। एक हाई माउंटेन पास है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल अलग साइड पड़ता है, बहुत कम लोग ही जाते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 13,000-13,500 फीट की हाइट पे है। रोहडू से अप्रॉक्सीमेटली 40-45 किलोमीटर पड़ता है, और रोहडू का आप डिस्टेंस लगा सकते हो शिमला से करीब करीब 100 किलोमीटर। तो अपने घर से जो अपने को जाना है आज होटल तक, वो है ऑलमोस्ट 475 किलोमीटर, तो मान के चलो 12 घंटे लगेंगे, प्लस बारिशों का टाइम है भाई, तो थोड़ा पहाड़ों में वैसे रिस्की होता है, बट वेदर फोरकास्ट देखा है तो इधर ठीक ठाक, ये कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई है मेजर की कुछ प्रॉब्लम हो, बाकी देखेंगे अपडेट करेंगे। नज़ारे एक नंबर मिलने चाहिए अपने को, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पहाड़ों में जा रहे हैं, और वो भी मानसून के टाइम, तो नज़ारे एक नंबर हो जाते हैं। भाई देख रहे हो माइलेज 15.7, लोग ऐसे माइलेज निकालते हैं इस गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी चल रही है अभी 60 की स्पीड पे, क्रूज कंट्रोल है और ट्रैफिक है नहीं कुछ खास, तो 60 की स्पीड पे चल रही है तो 15.7 दिखा रही है, यानी 15 की माइलेज दे रही है। लोग जो बोलते हैं ना माइलेज देती है गाड़ी, वो ऐसे माइलेज निकाल के देती है, ऐसे कौन चला लेगा हाईवे पे या इवन सिटी में भी, यहाँ तो कैमरास लगे हैं इसलिए ऐसे चल रहा है बंदा। बाकी ये देखो भाई सुबह सुबह अपने बाइकर लोग चल पड़े हैं हमारी तरह, हमारे घर पे रहते हैं अरे अपने भाई बंधु ही हैं, ट्रैवलर हैं ये भी हमारी तरह, हम भी ट्रैवलर हैं इसलिए भाई बंधु हैं अपने। एवरेज मुझे पागल कर देगी 16 KMPL दिखा रही है, वैसे 6.5 देती है सिटी में ये, अगर ट्रैफिक में चला हो तो। अभी मैंने निकाली थी माइलेज, और ये देखो खाली रोड पे 60 की क्रूज पे, मैंने इसकी बेइज्जती कर दी थी ना कि इस खून पे चलती है गाड़ी, दिल पे ले गई है देखो। चलो भाई करते हैं यार दिल्ली क्रॉस, काफी देर हो गई है। फाइनली भाई 5 बजे एग्जैक्ट अपन NH 44 पे आ गए हैं, और अभी बढ़ रहे हैं मुरथल की तरफ, देखते हैं कहाँ पे ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेंगे। बाकी भाई ट्रैफिक तो है सुबह सुबह ना, आज तो हैं गाड़ियाँ काफ़ी, लोग सुबह सुबह निकल गए हैं घूमने के लिए।
भाई 5:30 और अपना लास वेगास आ गया। ओहो उछल गई गाड़ी। अपना हरियाणा का लास वेगास यानी मुरथल, ढाबे ही ढाबे, एक से एक ढाबे, जबरदस्त। बाकी अभी मुरथल नहीं रुक रहे हैं अपन, सीधे चल रहे हैं आगे और देखते हैं मे बी करनाल के आसपास अपन ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी आपको पराठे खाने हैं तो भाई मुरथल के तो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। देख रहे हो आप लाइटें वाइटें एकदम चकाचौंध और गाड़ियां भी सुबह सुबह खूब खड़ी हैं, मज़ेदार भाई। आ गया भाई अपना मुरथल वाला टोल, पहला टोल। देखते हैं, मेरे हिसाब से करीब करीब 1200 रुपये टोल लग जाएगा और अभी अपना डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर बचा है। भाई क्या गंदा जाम लगा है सुबह सुबह, ये दूसरी साइड लग के लिए देखो अब रॉन्ग साइड आने लग गया ट्रैफिक। 1.5 किलोमीटर तो हो गया इस जाम को लगे हुए, पता नहीं किस चीज का जाम है, बहुत ही गंदा जाम लगा हुआ, बहुत ही गंदा। देखो आप राइट साइड पे ट्रक से ट्रक, सुबह के 5:37 हुए हैं, उस तो लफड़ा हुआ है भाई बड़ा, पता नहीं क्या चक्कर। अभी गन्नौर क्रॉस किया हमने, टाइम हो गया एग्जैक्ट 5:50 और अपन पहुंच गए हैं पानीपत। 100 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो गए हैं, मज़ेदार रोड्स हैं और अब यहाँ कोई ट्रैफिक है नहीं, सब लोग पीछे खाना खाने रुक गए, हम अभी रुके नहीं हैं, अपन करनाल में ब्रेक लेंगे। बाकी ताबड़तोड़ स्पीड से जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है ड्राइव में। अभी एक बार नीचे उतर कर थोड़ी सी बाहर की मॉर्निंग की हाईवे की फील ले लेते हैं, एक थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं पानीपत टोल क्रॉस करके। आज 15 अगस्त है भाई, क्या बढ़िया गाना चला है, सुनो आप भी। भाई ये ट्रक ना, मुझे जो लग रहा है ये कुछ तो चढ़ गया है फुटपाथ के ऊपर, क्रेन आ गई है। ये देखो पेड़ पौध टूटे हुए हैं, सुबह सुबह एक पीछे भी देखा था, सुबह सुबह भाई एक्सीडेंट बहुत होते हैं अर्ली मॉर्निंग। देखो अब ये क्रेन ने ट्रक को निकाला, ये तोड़ के इसको डिवाइडर को ऊपर चढ़ गया। आई होप बंदे ठीक हो भाई सब। वो ले गई ना क्रेन ट्रक को साइड में, बच गया भाई ट्रक, पलटा नहीं, अगर पलट जाता तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था। आ गया है कंट्रोल में, ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा कुछ हुआ है, पेड़ ये पौधे पौधे ही टूटे हैं यहाँ पे देखो, और इतना ऊंचा डिवाइडर है जबकि ये शीशा तो टूट गया इसका, लेकिन वैसे कंडीशन देखते हैं वैसे ठीक ही होगी यार, पलटा नहीं तो बच गए भाई, इनका दिन अच्छा था। चलो पानीपत क्रॉस करते हैं और पूर्विक साहब भी उठ गए हैं एक छोटा सा पावर नैप लेके। हाँ जी कहाँ कहाँ बाहर बाहर कहाँ बाहर तो अभी पहले पराठे पेट में जाएंगे तब एकदम से चार्ज होगी बैटरी और अपनी चाय से। आज क्योंकि 15 अगस्त है, थोड़ी अपनी देशभक्ति की भावनाएं जगा के तिरंगा ढाबा दिख गया अपने को, और ढाबा क्या है ये सही बना हुआ, ये भी यहाँ रुकते हैं भाई। पराठे तो इस हाईवे पे हर जगह बढ़िया मिलते हैं तो बढ़िया मिलेंगे ही, और चाय भी क्योंकि दूध हरियाणा का एक नंबर होता है। हरियाणा बॉय भी हाँ, अरे दो है भाई, पुरानी भी है नई भी है। चलो जी लेट्स गो। देखो भाई पहली बार मैंने 700 की रेंज देखी है गाड़ी में,
और 15.4 kmpl, कमाल ही हो गया आज तो भाई, बरसात होगी पक्का। आ जाओ ये लो भाई, राम प्यारी रॉल्स रॉयस है। चलो रॉल्स रॉयस है, देखो लोगो देख लो। चलो भाई खाना खाते हैं, देखते हैं आपको बताएंगे कैसा है। इससे आज तक रुके नहीं है हम कभी। वावे भाई मक्खन के साथ निपटा दो फटाफट, यमी और अपनी यमी। भाई साहब क्या मौसम हो रहा है यार, देखो कितना क्लाउडी, बारिश किसी भी वक्त आ सकती है, बहुत ही प्यारा मौसम। बाकी सही था तिरंगा ढाबा, अपना बिल आया 366 रुपीस। आ जाओ जी जल्दी आओ। बाकी आज इस गाड़ी ने सरप्राइज कर दिया भाई, 90-100 के आसपास आ रहा हूँ मैं, 15 की एवरेज दिखा रही है। कमाल मौसम हो गया भाई, कमाल, सही में ना मज़ा आ रहा है। और बारिश आ जाए बस, अब पहाड़ों में कम आए, यहाँ पे चलता है। आ जाओ चलते हैं भाई, गाड़ी में बैठते हैं, अब जल्दी से चलते हैं सोलन की तरफ। खुल जा सिमसिम, थर्ड टोल हो गया भाई, करनाल वाला अपना पास, स्टिल 8 hours टू गो, और ट्रैफिक बढ़ते हुए और मौसम बदलते हुए, बारिश का मौसम है पूरा। साइड से ओवरटेक करने का नहीं, कभी कभी करना भी पड़ता है भाई, कभी कभी करना भी पड़ता है। और ट्रक्स के साथ में भाई ज़्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए, हमेशा या तो इनको पास दे दो या इनको ओवरटेक करके फटाफट इनके साइड से निकल जाओ, खासकर बारिशों के टाइम पे। तो अभी चल रहे हैं, अभी कुरुक्षेत्र आने वाला है, करनाल अपन क्रॉस कर चुके हैं, और फिर देखते हैं दो रूट पड़ते हैं, एक शाहबाद से साहा होते हुए आप डायरेक्ट पंचकुला निकल सकते हो, और दूसरा आप सीधा जिरकपुर होके फिर वहाँ से हिमालयन एक्सप्रेसवे लेके सोलन की तरफ बढ़ सकते हो। देखते हैं कौन सा गूगल बता रहा है, वही लेंगे। लो भाई बारिश स्टार्ट हो गई, और आगे बिल्कुल मौसम ऐसा है कि तेज़ बारिश हो रही है, सूर्यदेव कहीं तक भी नहीं दिख रहे हैं, 7-18 हो गए हैं आगे, और ताबड़तोड़ बारिश का फोरकास्ट वैसे ही है इधर इस रीजन में। भाई वेदर देखो यार, क्या फोगी वेदर हो रखा है, मज़ेदार लग रहा है। हल्की हल्की यहाँ ड्रिजलिंग हो रही है, अपने को बारिश तो मिलनी है, और अच्छा खासा ट्रैफिक है भाई, अच्छा खासा, मतलब हम बहुत बार सुबह 7 बजे के आसपास हाईवे पर रहे हैं, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग ही निकलते हैं ट्रिप्स पे, बट इतनी भीड़ जनरली सुबह मिलती नहीं है जितनी आज गाड़ियों की भीड़ है, और फुल्ली लोडेड जा रही हैं गाड़ियां सारी, तो सब लोग ये शिमला मनाली नैनीताल वगैरह जा रहे हैं, और हमने तभी अलग सा डेस्टिनेशन चूज़ किया है चांशल पास। बहुत कम लोगों को पता होगा, अगर यहाँ 100 गाड़ियाँ होंगी ना, तो हो सकता है उसमें से एक बंदे को ही पता हो कि चांशल पास कहाँ है और क्या चीज़ है। दिखाएंगे आपको नज़ारे एक से, क्यों जी बस कल मौसम क्लियर मिल जाए। क्या पंजाब की फेवरेट चीज़? टायर्स और एलॉयज, टैक्सी वालों को भी पूरा शौक है, देखो भाई पंजाब नंबर है। झमाझम बारिश हो रही है भाई साहब, मज़ेदार, बहुत ही तगड़ी, बहुत ही। भाई अपन यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं जीरकपुर ना जाके, अपन यहाँ से जाएंगे साहा, और वहाँ से सीधा पंचकुला निकलेंगे। काफ़ी साल पहले इस रूट से गया था मैं, तो
देखते हैं क्या कुछ रूट रहने वाला है। टाइम तो सेम ही लग रहा है दोनों जगह से। रॉन्ग साइड आके हमें ही डिप्पर मार रहा है। घोर कलयुग भाई, आप मौसम देखो यार, सामने कैसा काला घना हो गया है भाई, साहा की तरफ पड़ रहे हैं भाई, क्या तबाही मौसम हो गया, तबाही। 27 डिग्री और बहुत डार्क ही डार्क होता जा रहा है सामने। तो कमाल की बारिश मिल रही है भाई, कमाल की। बच्चे पूरे मजे ले रहे हैं भाई बारिश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाइपर्स को देखो आप, पूरा नीचे तक जा भी नहीं पा रहे, इतने में तो वापस आ जाते हैं। फुल स्पीड में चल रहे हैं वाइपर। तगड़ा मौसम यार, मजा ही आ गया ड्राइव करके। रिस्की मौसम है भाई पहाड़ों पे जाने का, बट देखते हैं भोलेनाथ सबके साथ। बाकी रोड पे पानी वानी भी भरा हुआ है, देखो आप तेज पानी, वो दिखाई नहीं, हाँ दिखाई नहीं दिया पानी भाई। कभी भी अगर पानी भरा है ना रोड पे, हीरो बनने के लिए पानी मत उछालना गाड़ी से, मतलब इंस्टेंटली आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है गाड़ी इंस्टेंटली। पानी कितना भरा हुआ, बहुत बारिश हो रही है ना, दलदल बना हुआ है बिल्कुल दोनों साइड खेतों में। जो भी पता नहीं पानी नीचे जमीन के नीचे जा क्यों नहीं रहा है, या तो ज्यादा ही बारिश हो गई है भाई। अभी बिजली गिरी है यहाँ पे, अभी एकदम से सनरूफ पे से दिखाई दी, बिल्कुल इधर पास में ही खेत में गिरी है। क्या आवाज आई थी भयंकर, लाइट लगी थी तुम्हें इतनी तेज दिन में भाई, बहुत बहुत तगड़ी थी, बहुत तगड़ी। भूत आ गया होगा, हाँ भूत आ गया होगा, भूत आ गया होगा उसमें। मजा बहुत आ रहा है लेकिन यार, बहुत मजा आ रहा है। मौसम देखो क्या जबरदस्त हो रहा है यार, अल्टीमेट अल्टीमेट मौसम, मजा आ रहा है भाई ड्राइव करके। और क्या तगड़ी लग रही है गाड़ी, देखो क्या जबरदस्त लग रही है, मजेदार भाई। चलो चलते हैं, पानी में गाड़ी चली गई थी तो देख रहा था कहीं बंपर बंपर का लॉक ना निकल गया हो, बट सब ठीक था। और क्या, बहुत ज्यादा पानी था भाई। चलो जी भाई, इसीलिए पानी में ना देख के गाड़ी निकालनी चाहिए। ये पूरी क्लैडिंग बाहर निकल गई थी इतनी देर के अंदर, एक बारी पानी में गई थी और ये टायर को टच हो रही थी, बहुत देर में जाके इसकी सेटिंग हिली और इसका कहीं से लॉक लूक निकल गया शायद। तो ये देखो, ये कहीं लॉक होता है इसका, वो निकल गया है तो इसको चेक कराना पड़ेगा, बाकी अभी तो फिलहाल ठीक है। ये तो देख के चलना होता है भाई, पानी में से मत कूदा देना गाड़ी। चलो बहुत देर लग गई, पूरे गंदे हो गए हाथ। टाइम हो गया है 9 एग्जैक्ट 9:06 AM, 269 किलोमीटर अपन चल लिए हैं, 206 किलोमीटर बचा है। और कुरुक्षेत्र से ही कंटिन्यूस बारिश चल रही है। और ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है ना, अपने को यहाँ से राइट लेना है, ये है आपका हिमालयन एक्सप्रेसवे जो सीधा जाता है शिमला। तो अपने को लेकिन शिमला तक नहीं जाना, हम सोलन से एक अलग रूट लेंगे जो गूगल सजेस्ट कर रहा है फास्टर है। ऑल दो मेन रूट जो है ना रोहडू जाने का, वो है शिमला से, शिमला से कुफरी थियोग और फिर वहाँ से रोहडू जाता है जो मेन हाईवे है। बट भाई शिमला में मिलेगी बहुत भीड़, लॉन्ग वीकेंड है तो इसीलिए हम लोग सोलन से ही अलग डाइवर्जन ले लेंगे। देखते हैं कैसा कुछ रूट मिलता है, बाकी आपको अपडेट करेंगे। बाकी बारिश के मजे ले रहे हैं अपन तो। अरे भाई रोडवेज नहीं मानेगी, कहाँ भगा के ले जाएगा बारिश में। आ गए भाई हिमालयन एक्सप्रेसवे पे, अब एक टोल टैक्स आता है और फिर यहाँ से परवानू और सोलन बढ़ेंगे। मस्त मौसम हो रखा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी मैसेज भी आ गया फ़ोन में कि पंजाब के काफ़ी एरियाज में और हरियाणा के काफ़ी एरियाज में, कुरुक्षेत्र करनाल इधर, अगले 3 घंटे का मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल का अलर्ट है।
बाकी पहाड़ों पे देखते हैं यार, थोड़ा सा मौसम खुल जाए तभी तो नज़ारे मिलेंगे अपने को। पहाड़ों के पहले ढंग से दर्शन हो गए हैं, देख लो क्या तगड़ा लग रहा है ना, मज़ेदार लग रहा है भाई। बहुत टाइम बाद मैं इस हाईवे पे आया हूँ, बहुत टाइम बाद, काफ़ी साल हो गए थे इस तरफ आना ही नहीं हुआ था अपना। भाई मॉनसूनस में सही में पहाड़ों के नज़ारे ना अलग ही लेवल के होते हैं, इतनी ग्रीनरी हो रखी है, इतनी ज़्यादा। और आप गर्मियों में आओगे ना तो आपको बंजर सा दिखेगा। और बाकी ये आ गया हिमाचल का गेट, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। पहुंच गए सुबह सुबह, यस 9:30 एग्जैक्ट। और बाकी देखो, हाँ देखो बाकी भाई, ये ऊपर परवानू का रिजॉर्ट है जहाँ पे ट्रॉली केबल कार से जाते हैं। बाकी ग्रीनरी देखो यार, क्या ताबड़तोड़ नज़ारे शुरू हो गए एकदम से हिमाचल में एंटर करते ही। फुल ग्रीन है, फुल, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये स्टेप्स इसलिए बना रखे लैंडस्लाइडिंग में पानी एकदम नीचे ना गिरे, धीरे धीरे स्टेप्स में गिरे ताकि पत्थर भी एकदम नीचे ना आए। ऊपर चढ़ने के लिए नहीं है ये लैंडस्लाइड, देखो जैसे ये गिरे हुए पत्थर आगे। ये जो क्लाउड्स है ना, ये हर माउंटेन के ऊपर क्लाउड्स हैं फिलहाल के टाइम पे मॉनसून। उस वाले पे क्यों? और वो है ऊपर रिजॉर्ट पर वानू वाला। अरे तुम्हें मेरी बात काटने से मतलब है? अजीब जानवर है उस वाले पे। ये छोटा है ना ऊपर वाले, देखो पर वानू रिजॉर्ट जाए वो उस वाले पे। क्या मस्त लग रहा है भाई। आ गया भाई हिमाचल का टोल बैरियर, देखो कितने लगेंगे। 7-सीटर है हमारी गाड़ी, ज्यादा लगेंगे मेरे ख्याल में, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेंगे हमसे। बोल देंगे ना कि पीछे की सीट, सीट तो है नहीं हमारी गाड़ी में। लेकिन सोलन 37 है भाई, सोलन तक ही अपने को इस हाईवे पे रहना है। देखो सामने अब क्लाउड्स का नजारा भाई साहब, तबाही भाई तबाही। ये है मॉनसूनस में माउंटेन्स, रिस्की बट ब्यूटीफुल भाई, तगड़े लग रहे हैं क्लाउड्स। लैंडस्लाइड वाला रीजन पूरा, लैंडस्लाइड हो भी रखी है यहाँ तो। इधर तो रोड ही नीचे गया हुआ राइट साइड में भाई। देखो आपको दिखाता हूँ मैं नज़ारा यहाँ से, बहुत ही तगड़ा। ये देखो, ये देखो, अरे फोकस। बाकी अपनी गाड़ी अभी तो गंदी होनी शुरू हुई है भाई, मस्त लग रही है। चलते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं खाने का। जबली में सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे ब्रेक लेते हैं अपन। जबली पहुँच गए हम, इस पे देखो KFC, पिज्जा हट, कोस्टा, सब कुछ है। पीछे हल्दीराम के है, तो अभी कुछ फिल्टर कॉफी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए भाई। इधर आ गए हैं बर्गर किंग पे, वहाँ जहाँ पीछे रुके थे मैकडोनल्ड्स, वहाँ से 5 मिनट दूर है। और ड्राइव थ्रू है, पार्किंग है, ड्राइव थ्रू एंट्री आ गया है बर्गर किंग, स्टारबक्स भी है। यहाँ लगा देते हैं, चलो जी धर्मपुर। भाई घर से 304 किलोमीटर आ गए अपन, और अगर अपना होटल देखोगे तो अभी भी 5 hours 6 minutes है, और डिस्टेंस देखें 171 किलोमीटर। और आराम से आ रहे थे ना, अब माइलेज कम होनी शुरू हो गई 13.5, क्योंकि भाई पहाड़ आ गए हैं। बाकी मौसम एक नंबर है यार, मज़ेदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। चलो मौसम के थोड़े मजे लेते हैं बाहर उतर के। बढ़िया बनाया हुआ भाई, बहुत। यस अच्छा वो, हाँ प्लेन वो होटल में बना रखा है। चलो हाँ। अच्छा बनाया हुआ है ये, बहुत ही मस्त है। क्या क्रैश हो रहा है प्लेन? कोई नहीं, अब चलो कैपेचिनो पी लेंगे यार।
भाई वादियों में घूम रहे हैं और वादियों वाला गाना अपने आप चल गया, सुन लो। ये भाई हम धर्मपुर पहुंच गए हैं और यहाँ से लेफ्ट जाता है कसौली को रास्ता, जितना मेरी नॉलेज कहती है। देखो बोर्ड भी लगा है ना, ये रहा लेफ्ट कसौली लगा है, ये ऊपर रास्ता जा रहा है। यहीं से गए थे हम कसौली काफ़ी साल पहले, बट अपने को सीधा सोलन निकलना है अब यहाँ से। भाई सामने का ज़रा नज़ारा देखो बस हटते, ये देखो आप क्लाउड्स का मंजर एक नंबर लग रहा है ना पूर्विक, मज़ेदार। सारे क्लाउड्स नीचे हैं और 23 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ही प्यारा मौसम है। एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं विंडो बंद कर रहा हूँ, वरना बहुत ही मस्त हो रहा है भाई, बहुत ही मस्त। और आगे बारिश भी लग रही है मुझे, हल्की हल्की शुरू हो गई, खोली हुई है, मजे लो बस। देखो लेफ्ट साइड पे भी क्लाउड्स ही क्लाउड्स है, अब बादलों में से जा रहे हैं हम। बादल देख लो, हाँ ये बादल है जो दिख रहा है ये साथ में। यहाँ मजेदार मौसम रहता है और क्लाउड्स में ड्राइव करते हैं तभी तो फीलिंग आती है भाई कि आप पहाड़ों में हो गुरु। देखो क्या बेहतरीन लग रहा है यार, क्या जबरदस्त लग रहा है। अब बोलो पूर्विक, कह रहे थे तुम हमारा रिकॉर्ड 100% नहीं है। देखो सामने गुज्जू गाड़ी भाई, एक भी ट्रिप ऐसी नहीं हुई है जिसमें अपने को कोई गुजराती भाई ना दिखा हो। ये लो BMW मिल गए ना, क्या पता बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, ना आ रहे हो। फर्स्ट डे ही मिल गए भाई, फर्स्ट डे गुज्जू भाई हमारी तरह हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। बाकी सोलन इज 13 किलोमीटर, सोलन के बाद अपना रूट अलग हो जाएगा, शिमला नहीं जाएंगे क्योंकि शिमला में मिलेगी भीड़, भरपूर भीड़। सफर है तेरा, ये रास्ता तेरा, मेरे बिना। भाई आओ देखो क्या मस्त जगह गाड़ी लगा दी है भाई, आपको दिखाऊं नजारा मजेदार। ये शिव मंदिर पे जा रहा है कोई रास्ता, ये देखो कैमरा घुमाता हूँ, ये देखो भाई देखो क्या मंजर है यार। क्या बोल रहे हो, नॉर्मल लग रहा है। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ मंजर की क्या बात है। देखो भाई देखो यार क्या क्लाउड समा बांध रहे हैं, मॉनसून देखो भाई, डूब मरो यार। इतनी अच्छी जगह, ग्रीनरी देखो, क्लाउड्स देखो, और भाई साहब चीड़ के पेड़ देखो, पाइन ट्रीज, और ये गंदगी मचा रखी है। बाकी अपनी गाड़ी भाई यहाँ से चढ़ा लाए हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं, चलते हैं आराम से, गाड़ी गंदी हो गई है भाई। मंदिर पूर्विक पता नहीं ना कितनी दूर है मंदिर, और चढ़ना वढ़ना ना हो। बाकी फोटो वोटो खिंचाते हैं भाई गाड़ी के, मस्त फिर चलेंगे। भाई सोलन टाउन पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, जो सामने आपको दिख रहा है ये सोलन है, और यहीं से अपन डायवर्जन लेंगे, अलग रूट है एक, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा कि कहां से है, बट ये शिमला वाला रूट नहीं है, मेन रूट शिमला वाला ही है। वैसे प्रेफरेबल है कि शिमला वाले रूट से जाओ और थियोग से फिर आप रोहडू का डायवर्जन ले सकते हो, बट भाई क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है ना तो भीड़ बहुत मिलेगी शिमला में, तो इसीलिए गूगल सजेस्ट कर रहा है कि दूसरा रूट ले लो विच इज़ 30 मिनट्स फास्टर। तो हम भी फर्स्ट टाइम लेंगे वो रूट, देखते हैं आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। स्टेट हाईवे है वैसे वो जो रूट हम लेंगे अब यहाँ सोलन से, ये आ गया अपना डाइवर्जन, यहाँ से कह रहा है ये यू टर्न लेके नीचे जाओ कहीं, कहाँ है यू टर्न लेके, ये रहा नीचे, हाँ ये रास्ता जा रहा है नीचे, यहाँ से जाना है अपने को। चलो जी ये हमने मेन हाईवे छोड़ दिया,
बाकी देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है सोलन भी। स्नो गिरती है यहाँ पे विंटर्स में, स्कीइंग वगैरह काफी एक्टिविटीज होती हैं, तो आप विंटर में आ सकते हो। बाकी नीचे जा रहे हैं अब, तो देखो कितना बड़ा टाउन है, शिमला जैसा लग रहा है ये, और आई थिंक शिमला से भी बड़ा होगा ये। चलो देखें क्या कुछ रोड मिलता है। ये राजगढ़ रोड है इसका नाम, हम राजगढ़ होके जाएंगे अब। आर होटल इज 150 किलोमीटर्स, जो गूगल दिखा रहा है अभी 4 hours 38 minutes लगेंगी भाई, अभी बहुत टाइम लगेगा भाई। ये रास्ता थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ख़राब भी है, इसमें ख़राब पैचेस आएंगे क्योंकि ये नेशनल हाईवे है नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं। अपना गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना भाई, वो एक नंबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सामने देखो फिर से क्लाउड्स वाला नज़ारा भाई साहब। अब हम कितने नीचे आ गए थे, काफी नीचे उतर गए थे, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं अब हम धीरे धीरे। ओ भाई पतला रास्ता तो है ये, बट बढ़िया रास्ता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। गड्ढे जरूर है रास्ते में, बट इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या खाना है? और अरे बस वाले भाई साहब कितनी तेज आते हैं ये, भुट्टा खाने में, भुट्टा देखेंगे कहीं मिल गया तो। यार क्लाउड्स में ड्राइव करने का मौसम और बढ़िया होता जा रहा है, बिल्कुल ही क्लाउड्स आ गए यहाँ तो। ओहो लैंडस्लाइड हो रखी है तो, बहुत ही भयंकर क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स फॉग नहीं है। क्रिसमस ट्री जैसी शेप है इनकी, देखो क्लाउड्स में ड्राइव, मज़ेदार भाई, क्या तगड़ा लग रहा है यार, बहुत ही बढ़िया। और सब नीचे का दिखना बंद हो गया इधर राइट साइड में, क्योंकि इतने बादल आ गए हैं। अब यहाँ पे इतने बादल आ गए हैं तो रात हो गई ना, रात हो गई क्लाउड्स की वजह से लग रहा है। देखो माउंटेन्स में ड्राइव का मजा आता है भाई, जब क्लाउड्स आ जाते हैं ना तब आती है फीलिंग अच्छी। हम क्लाउड्स के बीच में से जा रहे हैं, बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर से निकल रहे हैं, देख लो क्या तगड़ा ही लग रहा है। ये तो होती है रियल फीलिंग माउंटेन्स में ड्राइव करने की, शानदार भाई शानदार। और कैमरा थोड़ा ज्यादा ISO एडजस्ट करके ना ज्यादा क्लियर दिखा रहा है, अदरवाइज और ज्यादा क्लाउड्स हैं। साइड में कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा, अभी सामने भी ऐसा ही दिख रहा है। आसमान में आ गए हम भाई, एक नंबर, बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर है, बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है यार। अब यहाँ पे इतना ज्यादा धुआं क्यों आ गया? धुआं नहीं है बेटे, फॉग भी नहीं है, क्लाउड्स हैं। नज़ारे तो बड़े तगड़े हैं इस हाईवे से, देखो इस रोड से यहाँ देखो, और सामने तो भाई कातिल ही हो रखे हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं ये, बता दे भाई साइड का अपने को। बहुत ही बढ़िया ऊंचे पहाड़ है और बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है, मजेदार लग रहा है। ले लेंगे ऑरेंज वाले फ्लावर्स, रुको हम निकल ले पहले यहाँ से। देखो भाई क्या बड़ा ही नज़ारा यार, मज़ा ही आ गया। ये देखो ले लद्दाख जी आ गए, ले लद्दाख आ गए, इतने ग्रीनरी ले लद्दाख में। भाई देखो कहाँ रुके हैं, काटा हुआ है पूरा पहाड़ ये, बाकी ये देखो एक नंबर भाई, एक नंबर। क्या लग रही है गाड़ी, क्या फ्रेम है, जबरदस्त। यहाँ फोटो खिंचाते हैं, उतरना उतर लो, टॉयलेट कर लो। ये फ्रेम बहुत ही तगड़ा है फोटो के लिए, बहुत ही तगड़ा। बाकी गाड़ी देखो यार कितनी गंदी हो गई है,
मजेदार लग रही है, ये देखो awesome। अब एक बार कहा मैं फ्लावर